जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो कोल्ड, फ्लू और इन्फेक्शन फैलने का खतरा काफी बढ़ जाता है। ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, गर्म पानी, चाय, कॉफी जैसी चीजों का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ठंड से राहत देने वाले ये नुस्खे आपके लिए कितनी मुश्किल पैदा कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, देर तक गर्म पानी से नहाना भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं ठंड में हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। ठंड से बचने के लिए अधिक समय तक गर्म पानी से नहाना। एक्सपर्ट की माने तो ठंड के मौसम में अधिक समय तक गर्म पानी का शावर लेना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इससे हमारी बॉडी और दिमाग दोनों पर बुरा असर पड़ता है। दरअसल गर्म पानी हमारे शरीर में मौजूद केराटिन नाम के स्किन सेल्स को खत्म करता है, जिसके कारण त्वचा में खुजली, ड्राइनेस और रैशेस जैसी समस्या बढ़ जाती है। ठंड में अधिक कपड़े पहनना। जब सर्दी का मौसम हो तो हम खुद को गर्म रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से आपकी बॉडी ओवरहीटिंग का शिकार हो सकती है। हमें सर्दियों में ज्यादा कपड़े पहनने से बचना चाहिए। सर्दियों में ठंड लगने पर हमारा इम्यून सिस्टम व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, जो कि इन्फेक्शन और बीमारियों से हमारी सुरक्षा करता है, जबकि बॉडी के ओवरहीट होने पर इम्यून अपना काम नहीं कर पाता है। अधिक खाने का सेवन। सर्दियों में हमारे खाने की खुराक अचानक बढ़ जाती है और हम बिना सेहत की परवाह किए कुछ भी खाने लगते हैं। सर्दियों में ठंड से मुकाबले में शरीर की कैलोरी ज्यादा खर्च होती है, जिसकी भरपाई हम हॉट चॉकलेट या एक्स्ट्रा कैलोरी वाले फूड से करने लगते हैं। ऐसे में भूख लगने पर सिर्फ फाइबर वाली सब्जियां या फल खाने चाहिए। कैफीन। सर्दी के मौसम में चाय और कॉफी से शरीर को गर्म रखने का नुस्खा अच्छा है, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा कैफीन शरीर के लिए नुकसानदायक है। दिन भर में आपको 3 या 2 कप से ज्यादा कॉफी नहीं पीनी चाहिए। पानी कम पीना। सर्दियों में लोगों को प्यास कम ही लगती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ठंड में शरीर को पानी की जरूरत नहीं होती है। यूरिनेशन, डाइजेशन और पसीने में पानी शरीर से बाहर आ जाता है। ऐसे में पानी न पीने के कारण बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। इससे किडनी और डाइजेशन में दिक्कत पड़ सकती है। सोने से पहले। एक शोध के मुताबिक रात को सोने से पहले हाथ और पैरों को ग्लव्स और जुराब से कवर रखना सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। स्लीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये नुस्खा काफी फायदेमंद माना जाता है। आपका बेड टाइम रूटीन। सर्दी के मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं और रात लंबी हो जाती है। ऐसे में दिनचर्या से न सिर्फ सर्कैडियन साइकिल डिस्टर्ब होती है, बल्कि शरीर में मेटाबॉलिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। इससे झपके आने लगती हैं, सुस्ती चढ़ती है। इसीलिए स्लीपिंग टाइम में ही अपनी अच्छे से नींद पूरी करने की कोशिश करें। बाहर जाने से बचना। सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोग ठंड से बचने के लिए घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। ऐसा करने से आपकी सेहत का नुकसान हो सकता है। एक ही जगह पर घर में सिकुड़कर रहने से आपकी फिजिकल एक्टिविटी खराब होती है, मोटापा बढ़ता है और सूर्य की किरणों से मिलने वाले विटामिन डी भी आपको नहीं मिल पाते हैं। एक्सरसाइज। ठंड में तापमान कम होने की वजह से लोग बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, जिसके कारण फिजिकल एक्टिविटी शून्य होने लगती है और इस वजह से आपका इम्यून सिस्टम सुस्त पड़ जाता है। अपने आप से इलाज। इस मौसम में लोगों का अक्सर खांसी, जुकाम या बुखार जैसी दिक्कत होती है। ऐसे में डॉक्टर से बिना किसी जांच के खुद से इलाज करना बेहद जानलेवा हो सकता है। ये किसी गंभीर बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं, इसीलिए कोई भी दवा या नुस्खा आजमाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।